तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे हम गार्लिक और उसके साथ डालेंगे इसमें हम बादाम। तो अच्छे से इस तरह से क्रश कर लेंगे। ये लीजिए, तो ये गार्लिक और जो बादाम है ये पिस चुके हैं। प्याज डालते हैं, हरी मिर्च, तो सारा मिर्च हमें एक साथ ही डालना, धीरे धीरे करके डालना है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच अनारदाना। तो इस वक्त डालेंगे इसके अंदर नाशपाती यानी कि पेड़, तो ये देखिए चटनी एकदम तैयार हो चुकी है अच्छे से। क्योंकि पेड़ डालने के बाद होता है क्या, पेड़ पानी रिलीज करता है। अब डालते हैं इसमें हम नमक और इसको अच्छे से हम फिर कूट लेंगे। ये लीजिए, तो लीजिए तैयार है ये चटनी। लुक एट द कलर, वाव, अलग टेक्सचर, अलग कलर और बिल्कुल अलग टेस्ट। अब आप इस चटनी को एंजॉय करें पराठों के साथ या रोटी के साथ या कभी कभी खाने के साथ।